हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। वेल, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे बिना साबुन के इस्तेमाल से भी आप अपनी त्वचा को साफ़ कर सकते हैं, उसे सुंदर बना सकते हैं और निखार सकते हैं। लगातार साबुन के इस्तेमाल से हमारी त्वचा बेजान और रूखी हो जाती है। उसमें साबुन में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स हमारी त्वचा को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे वो लगातार रूखी और बेजान बनी रहती है। तो चलिए, अपनी त्वचा को जान देने के लिए, उसको विटामिन्स, उसको भरण पोषण देने के लिए आज हम आपको एक बताएंगे घरेलू परफेक्ट होम रेमेडी। सो उसके लिए हमें चाहिए बेसन, 1 से 1.5 चम्मच बेसन, 1/2 चम्मच टर्मरिक पाउडर, 1/2 चम्मच हनी, 1 से 1.5 चम्मच चावल का आटा और 1 से 1.5 चम्मच दही। और उसी तरह आप बादाम का भी पाउडर बना लें और 1/2 चम्मच बादाम के पाउडर का ले सकते हैं। और इस तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स करके आप चाहें तो इसमें पीली सरसों को भी पाउडर बना के मिला सकते हैं। और जब आप इसको पूरा मिक्स करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और ये फिर तब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बढ़िया हो जाएगा। और उससे आप पूरी बॉडी का वॉश कीजिए कुछ टाइम तक। अगर आप दही का इस्तेमाल इसमें नहीं करना चाहते हैं तो आप दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें कुछ सैंडल पाउडर भी मिला सकते हैं। चंदन अपने आप में एक कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, तो गर्मियों के दिनों में तो ये बहुत ही परफेक्ट अमेजिंग उपटन है पूरी बॉडी के लिए। और आप इस तरह से इस्तेमाल करें कि उसके पेस्ट को कुछ देर के लिए फेस पे अप्लाई कर लें, और जब तक पूरी बॉडी में अप्लाई करते हैं, पूरी बॉडी को रब करते हैं उस पेस्ट से, तब तक आप फेस में ये मास्क की तरह लगा करके अप्लाई करके छोड़ दीजिए। और पूरी बॉडी में तब तक वो अप्लाई करते रहिए, तब तक फेस का थोड़ा सा जो आपने अप्लाई किया है वो सूख जाएगा। और कुछ टाइम के बाद फिर उसे गीले हाथों से फेस में लगे हुए उस उपटन को भी आप रब कीजिए आराम से हल्के हाथों से, और आप देखेंगे कि आपकी जितनी भी डेड स्किन है, इम्प्योरिटीज़ है, पिंपल की प्रॉब्लम है, सारी छूमंतर हो जाएगी 1-1.5 हफ्ते के अंदर। और आप चाहें तो लगातार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लगातार इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। और देखिए, क्योंकि इसमें हनी है, टर्मरिक है, ठीक है, बादाम है, जिस बादाम में जो है विटामिन ई और भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, टर्मरिक है जो कि एंटीबायोटिक का काम करती है, और हनी है जो इट्सेल्फ इज़ यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ इसमें होती हैं। तो देखिए आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। बस आप इसको आराम से रब करते हुए आप आराम से इसे धो दीजिए, पूरी बॉडी को साफ़ कर लीजिए और अच्छे से आपने त्वचा को सुखा लीजिए। आप देखिए, एक और फ़ायदा मैं इसका बताती हूँ आपको, आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपने हनी मिलाया है, इसमें आपने कर्ड मिलाई है और इसमें आपने एलमंड का पाउडर मिलाया है, जो कि आपको नेचुरल मॉइस्चराइज़र आपकी त्वचा को देंगे। तो है ना, ये एक कमाल का होम रेमेडी आपकी त्वचा को हमेशा हमेशा के लिए फ्रेश रखने के लिए। इससे बढ़िया और कोई उपटन नहीं हो सकता। तो आप भी इंजॉय कीजिए एक हेल्दी और फ्रेश स्किन को। तो आपका आज को आपका मुझे आई एम श्योर कि आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो एंड यू मस्ट हैव फाइंड दिस वीडियो वेरी इन्फॉर्मेटिव। इफ़ इट इज़ सो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच।